सोलन वासियों की कुल देवी माता शूलनी हैं। सभी सोलन वासी उन पर बेहद आस्था भी रखते हैं। शहरवासी उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। सोलन शहर माता शूलनी के आशीर्वाद से ही सुरक्षित है और विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। कोविड संक्रमण की वजह से मंदिर के कपाट पिछले 2 वर्षों से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से भक्त शूलनी माँ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि सोलनवासी बेहद उदास भी नजर आ रहे हैं। ये उदासी अब आंखों से अश्रु बनकर बाहर निकल रही है। सभी भक्त बेहद व्याकुल है और माँ शूलनी से संकट की इस घड़ी में पहले से बेहतर करने की गुहार लगा रहे हैं। उनकी आस्था है कि माँ शूलनी उन्हें इस संकट से बाहर निकालेगी। आपको बता दें कि जून माह से माँ शूलनी का राज्य स्तरीय मेला मनाया जाता है, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस बार भी मेला सूक्ष्म रूप से ही मनाया जा रहा है। मंदिर के बंद कपाटों पर मथा टेकने पहुंची महिलाओं ने रोते हुए अपने दुख को बयां किया और कहा कि माँ शूलनी का मेला है, लेकिन प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया है, इसलिए वे आज ही शूलनी के मंदिर में माथा टेकने पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि माता शूलनी के बगैर जीवन की कल्पना भी वे नहीं कर सकती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से माँ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे मंदिर आकर माँ शूलनी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे संसार को पहले की तरह कर दें और अच्छे दिन वापस लाएं, ताकि माता के मंदिर आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके और उनके मेले में भी शामिल हो सकें। हम तभी तो मत्था टेकने आए हैं, हमारी ये माता है स्वर्ण माता, हम स्वर्ण गांव के ही है, हमारी माँ आई, हम इसके पास मत्था टेकने आए। कल तो आ नहीं जाएगा, कल तो सारा बंद है, इसलिए आज मत्था टेकने आए। अभी पार्ले मंदिर जो अपन बहन के पास जाती है वहाँ मत्था टेकना, हमने जाके आज ही टेके जाएगा। ये तो हमारी माँ है, इससे बिना हम कुछ नहीं करते, इसके आगे तो हम ऐसी आवाज मारते हैं जैसे माँ को आवाज मारते हैं, ये माता तेने करना जो करना। ये तो बच्चे चले जाते मेरे पहले तब भी, ये माता तू जान, ये तो हमारी माँ है। जैसे पिछले साल कोरोना वायरस आया था तो काफी मतलब हाँ जी सामना सबको करना पड़ा। बहुत सामना करना पड़ा, क्या करें, बहुत ज्यादा बहुत दुख होता है देख के, पर हमारी माँ ने यहाँ बहुत रक्षा रखी, बहुत ज्यादा, इसके लिए मैं कुछ नहीं हूँ। तो मेले के ना होने से क्या आपकी आस्था को तेज पहुंची? होता ही है, ऐसा थोड़ा तो होता है महसूस भाई, हम साथ जाते थे माता के साथ जाना, मत्था टेकना, यहाँ आना, जब डोली वापस आनी तब हमने यहाँ आना, यहाँ से लंगर खा के फिर जाना। ये तो हमारी माँ है, इससे बिना तो हम एक कदम भी नहीं चलते। संदेश ये भाई अपनी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ा आदमी को ये तो रखना ही पड़ता है, जैसे बंद किया हुआ तो बंद ही रहना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाहर से आदमी आके यहाँ तो बहुत फैल जानी थी, क्यों ये तो बहुत अच्छा करा इन्होंने बंद करा। मैं भगवती ठाकुर हूँ, बरौड़ी में रहती हूँ मैं, और माता के प्रति जो हमारी आस्था है वो कभी कम हो नहीं सकती है। जो भी माता ने जो कुछ भी किया है आगे भी अच्छा करेंगी, माता के हम यही चाहते हैं कि माता पहले जैसे ही कर दे, जैसे खुशियाँ मनाते थे लोग ऐसे ही खुशियाँ मनाएं हम लोग। शूलनी माता बस हमारे द्वार खोल दें, सब जनता उनकी बहुत मानती हैं शूलनी माता की, बुरा समय चला जाएगा, माता अपनी जरूर लाएंगी हमारी खुशियाँ वापस। बधाई 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 माता रानी की, बहुत बधाई है। मेरे को भी अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आज इतने तूफान होते हुए भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई माता की, मैंने कहा चलो दर्शन करने आती हूँ मैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा शूलनी मैया की जय। शूलनी मैया का मेला है तो इस बार इतनी धूमधाम से तो ये बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी हो रहा, ठीक है प्रशासन को भी ज़रूरी था जो कदम उठाए इन्होंने, पर ये उम्मीद है कि आगे ये माहौल अच्छा होता जाएगा और 1 तारीख से हमारे यहाँ मंदिर वगैरह भी खुल जाएंगे।